हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस का मार्क्स हम लोग सॉर्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। इससे पहले इस तरह के दो वीडियो और क्रिएट किए जा चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है उस सीरीज़ का। गया डिस्ट्रिक्ट का लास्ट हमने देखा था और आज हम लोग शुरू करेंगे गोपालगंज से आगे। तो चलेंगे वन बाई वन, चलेंगे देखेंगे किस ज़िले के अंदर कौन से कैंडिडेट हैं जो कि अपने ज़िले में बेहतर पोजिशन में है। इवेंचुअली जब मामला लोकल लेवल की नियोजन कमेटियों के सामने जाएगा तो अपनी डिस्ट्रिक्ट में आपका क्या पोजीशन है वो मैटर करता है। तो सबसे पहले गोपालगंज है, इसके मार्क्स को हम लोग देखते हैं। हालांकि ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसमें टॉप कैंडिडेट कौन से हैं, क्योंकि उनका नाम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो हम लोग इसको पूरा एंड तक आपको मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ कि कितने कैंडिडेट हैं यहाँ के जो कि उम्मीद लगा के बैठे हैं उनकी जॉब होगी, और टॉप वाले कितने स्कोर कर रहे हैं, जो बीच में हैं, जो भीड़ कहाँ पर है, किस रेंज में सबसे ज़्यादा लोग स्कोर कर रहे हैं। तो इस तरह की वीडियो से इन्हीं चीज़ों का अंदाज़ा होगा। ये कोई कट ऑफ वाला वीडियो नहीं है, बस यहाँ पर मकसद ये है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग कर दिया जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन से कैंडिडेट हैं जो कि ऊपर हैं। जिन जो ऊपर में हैं अब अपने डिस्ट्रिक्ट में, वो डेफिनेटली अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर चाहें तो जॉब पा जाएंगे। जो नीचे में हैं उनके लिए यही सलाह है कि अगर लोकल लेवल पर अप्लाई शुरू होता है, अगर जिस तरह से पहले होता था छठे चरण में जिस तरह से हुआ है, अगर उस तरह से एप्लीकेशन शुरू हो जाता है तो फिर आप एक से ज़्यादा ज़िलों में अप्लाई करें। तो चलते हैं गोपालगंज ज़िले के डेटा की तरफ। ऑलरेडी सॉर्टेड है घटते हुए क्रम में। सबसे ऊपर नाम आपको दिख रहा है अभि मिश्रा। टॉप 10 कैंडिडेट्स का मैं नाम पढ़ देता हूँ। अभि मिश्रा, इन्होंने 123.7 स्कोर है, जैसा कि उन्होंने एंट्री किया उस हिसाब से। अब्दुल रहमान, धनंजय कुमार दुबे, निशिकांत चौरसिया, सोनू, नीरज पटेल, समीर कुमार, विवेक के नीचे राजेश राणा, विवेक कुमार, उनके नीचे कीर्ति राय। ये हमारे टॉप 10-11 कैंडिडेट हैं इस सर्वे के हिसाब से, और टॉप स्कोर गोपालगंज में 123.7। अब मैं नीचे तक स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपकी एंट्री आपको दिख जाए। सबका नाम नहीं बोल सकते, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप अपनी एंट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सबका नाम दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। और ये हम लोग एंड पर पहुंच गए, रागिनी कुमारी लास्ट एंट्री है गोपालगंज से 36.76 नंबर के साथ। तो ये था गोपालगंज ज़िले का हाल, जहां पर 30 एंट्री दिख रही है। ये बहुत कम नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। हमने भागलपुर और गया का देखा, गया में 100 के आसपास था। तो कई ज़िलों के अंदर जो नंबर ऑफ़ क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और कई ज़िलों के अंदर भीड़ थोड़ी कम है। खास करके अरवल का देखा, वहाँ पर मेरे ख्याल 12-14 लोग ही थे। अगला ज़िला है जमुई, छोटा ज़िला है, और यहाँ पर लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी भीड़ होगी। ऑलरेडी जमुई का सॉर्टेड मार्क्स आपको दिख रहा है। कुमार अमरेंद्र यहाँ पर सबसे ऊपर हैं 116.24 नंबर के साथ इस सर्वे के हिसाब से। उनके नीचे विष्णु, कैप्टन शशि भूषण, रंजन शाह, सुधांशु, सोनी, अमित कुमार, चंदन कुमार, प्रमोद कुमार यादव, ये टॉप 10 कैंडिडेट हैं इस ज़िले के अंदर, जमुई ज़िले के अंदर। अब मैं आपको जमुई ज़िले की टोटल एंट्री मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ ताकि आपकी एंट्री आप देख सकें। ये देखिए बिल्कुल बॉटम पे हम लोग, टॉप 10-11 तो मैंने आपको दिखा दिया था, बाकी लोगों का आप देख लीजिए। कृष्ण नंदन 70.89 नंबर के साथ एंड हो रहा है। जहाँ कहीं भी लगे कि मैं तेज़ी से स्क्रॉल कर रहा हूँ वहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगला ज़िला छोटा ज़िला, और इस ज़िले का नाम है जहानाबाद। आपके स्क्रीन पर आ गया है, ये जहानाबाद का डेटा है, और जहानाबाद में सबसे ऊपर जिनका स्कोर है वो है विनोद कुमार 122 नंबर के साथ। इन्होंने एंट्री की है विनोद कुमार ने 122 नंबर। टॉप 10 कैंडिडेट्स का नाम पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसका स्क्रॉल कर देंगे पूरा। नेहा, जॉन, अनुराग, रोशन, राकेश, राजीव रंजन, विकास, नीतीश कुमार, अनूप कुमार, अमित कुमार, ये सारे टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं जिनका मैंने नाम आपको लिया। 122 वाला जो कैंडिडेट है, 122 स्कोर करने वाला, वो इस ज़िले में सबसे ऊपर है। अब बाकी लोगों का मार्क्स देखिए, 10 के नीचे वाले सारे लोग देखें। जैसा आपने नाम एंट्री किया मैंने वैसा ही छोड़ दिया है। मुझे पता है किसी का नाम मन्नू नहीं होगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट पर, नाम आपका कुछ और हो, मनमोहन हो सकता है। जैसा आपने एंट्री किया है मैंने वैसा ही छोड़ दिया है। आरकेएस देखिए, इस तरह के नाम भी लोगों ने लिख रखे। मैं
मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पाउज कर सकते हैं जगह जगह ताकि आप अपनी एंट्री को आइडेंटिफाई कर सकें। सबसे लास्ट में देखिए सुमंत, 40 एंट्री है और इनका मार्क्स तो खैर काफ़ी कम है, तो कुल मिला के 40 एंट्री है जहानाबाद से। ये एक्सपेक्टेड लाइन से ऊपर है, जहानाबाद से 40 एंट्री, जो कि कई और ज़िलों से जो इसी के बराबर की आबादी वाले ज़िले हैं उनसे ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि जहानाबाद में थोड़ा भीड़ दिखता है। अगले ज़िले की तरफ चलते हैं, अगला ज़िला है कैमूर। अब आपकी स्क्रीन पर कैमूर ज़िला और सबसे टॉप पे जो कैंडिडेट हैं इनका नाम है सत्येंद्र तिवारी, 113 नंबर है इनका। इनके अलावा टॉप 10 कैंडिडेट्स का नाम बोल देता हूँ, रंजीत कुमार, डीके, अरविंद यादव, नीतीश कुमार सिंह, मोहम्मद आमिर, एके, ललित मोहन, श्वेता पाठक, मनीष कुमार, ये हमारे टॉप 10 कैंडिडेट हैं इस सर्वे के हिसाब से। अब स्क्रॉल करके नीचे जा रहा हूँ कि आपको ये पता लग जाए कैमूर ज़िले से कितनी एंट्री आई है। आप अपनी एंट्री यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर आपने एंट्री किया है कैमूर ज़िले के लिए, लास्ट एंट्री 27 नंबर पर मनिंदर सिंह के नाम से है, 74.19 नंबर ये अपना बता रहे हैं। 27 एंट्री है कैमूर से, ये मतलब वैसा ही है जैसा एक्सपेक्टेड लाइन पर है, ये है कैमूर से, इससे ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगला ज़िला बड़ा ज़िला है कटिहार। कटिहार में क्या है भीड़, कैसे लोग स्कोर कर रहे हैं वो आपके स्क्रीन पर आ गया। टॉप पे है एमडीआई अहमद, 114 नंबर। नहीं, इसमें बड़ा वेरिएशन है, किसी किसी ज़िले के अंदर आप देखें 130 वाला सबसे टॉप पे बैठा था, किसी किसी ज़िले के अंदर जैसे आपने कटिहार में देखा 114 वाला कैंडिडेट ही सबसे ऊपर है। तो इसमें भी बड़ा वेरिएशन है कि टॉप पर कौन बैठा है। तो 114 नंबर यहाँ पर एमडीआई अहमद, उनके नीचे प्रवीण कुमार झा, कन्हैया कुमार, संदीप सागर, मुकुल कुमार, दिलशाद, उमंग कुमार, अब्दुल समद, बिट्टू दास, ये थे टॉप 10 कैंडिडेट कटिहार ज़िला से और सबके मार्क्स आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब मैं बॉटम तक मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कटिहार से एंट्री कितनी आई। आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। एक बार पहले मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं बोलूँगा बाकी बातें। ये 11 के नीचे का डेटा देखिए आप, 12 से शुरू जो होता है, आशीष, नितेश, अभी आप देखिए 20 के नीचे का डेटा, इकतीस एंट्री है कटिहार से और सबके साथ आपके स्क्रीन पर बॉटम वाले कैंडिडेट भी आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहे होंगे। अब इस तरह का सर्वे जो है वो मीनिंगफुल कैसे हो सकता है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जो डेटा है चाहे वो नंबर ऑफ कैंडिडेट हो, सरकार ने ये बता दिया था जब नोटिफिकेशन के टाइम पर ही ये बता दिया गया था कि किस ज़िले के अंदर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कितनी सीट है, पर ये बात नहीं बताया गया था कि किस ज़िले के अंदर किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है। तो कहने का मतलब है जो डेटा अवेलेबल है वो पार्शियली अवेलेबल है, वो हम जो चाहें वो चीज़ नहीं देख सकते। और ये जो सर्वे है पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस का जो इस चैनल पर सर्वे है वो एक्चुअल रिजल्ट के काफ़ी करीब है। जो एक्चुअल रिजल्ट भी अगर आप देखें, जो नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी इस सर्वे में, आप नोट कर लें इस बात को कि जब अगर STET के मार्क्स बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग हुई तो जिन टॉप 10 कैंडिडेट्स का मैं नाम लेता जा रहा हूँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, हो सकता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जब वहाँ पर लगे ऑफिस में, चाहे वो नगर निगम हो या जिला परिषद हो, तो वहाँ पर भी आपको इन लोगों का नाम आपको ऐसा ही दिखे। तो कहने का ये मतलब है कि इस तरह का सर्वे आपको एक कंक्लूजन दे सकता है, एक तरह का पिक्चर बता सकता है कि एक्चुअल में किस ज़िले के अंदर कितना कंपटीशन है, किस ज़िले के अंदर कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। अब फाइनली आप क्या चीज़ को देखेंगे, किस फैक्टर को देखेंगे, वो है कि किस ज़िले के अंदर कंप्यूटर साइंस की कितनी सीटें आती हैं। अगर मान लें किसी ज़िले के अंदर सीटें ज़्यादा आ गईं, लोग वहाँ पर पहले से ही कम हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि उन लोगों का भी मामला बन जाए जिन लोगों का मार्क्स बहुत कम है। तो कहने का मतलब है कि इस सर्वे से आप अलग अलग ज़िले का एनालिसिस कर सकते हैं। अभी तक जितना ज़िला मैंने आपको दिखाया उसमें गया में कॉम्पिटिशन किसी भी और ज़िले से ज़्यादा है, वहाँ पर 100 एंट्री के आसपास थी। कुछ और ज़िलों में जैसे औरंगाबाद में भीड़ है, आरा में भी भीड़ है,
तो कई जिलों के अंदर बहुत भीड़ है, कुछ छोटे जिले हैं जैसे जमुई में या अपने अरवल में, इन जिलों में वहां पर ज्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो जिन लोगों का मार्क्स थोड़ा कम है उनको हो सकता है कि कई जिलों में अप्लाई करना पड़े, उनके लिए थोड़ा सा जद्दोजहद करना पड़ेगा, क्योंकि जो टॉप के कैंडिडेट है जिनका मार्क्स बहुत ज़्यादा है वो तो बस अगर एक दो जगह भी कहीं पर अप्लाई कर दे तो उनका नाम आ जाना चाहिए लिस्ट में। तो अभी के लिए इतना ही, जितने ज़िले कवर हो सके अभी तक किया है, कटिहार तक किया है, इसके आगे जो बाकी के बचे हुए ज़िले हैं उनको भी वन बाय वन कवर करते जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।